ये महापंचायत एक हर किसान के अंदर जज्बा जगाने के लिए, जोश पैदा करने के लिए महापंचायत हो रही है जगह जगह। जो किसान साथी इसका घर बैठे विरोध कर रहे हैं वो यहाँ आके सुनेंगे तो उनको पता चलेगा भी ये विरोध है वो सही है, और इसीलिए महापंचायत हो रही है कि हर किसान के अंदर जज्बा हो और अपनी मांग मांगने के लिए आगे आए किसान। सरकार तो अड़ियल रवैया अपनाई हुई है और किसान संवेदनशील है और शांति प्रिय अपने बैठे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं। सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, नहीं तो बात करती है और न ही इनका कोई न्याय करती है। किसानों का मेनली मकसद है जो काले कानून बनाए गए हैं, अभी तीन जो कृषि कानून है बनाए गए उनको रद्द करने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, अलग अलग रैलियां निकालना, सरकार को इसके लिए अवगत कराना, अपनी ताकत को मजबूत करना हर बार, यही मेन महापंचायत का मोटिव है। बात ये है भैया कि अब ये संशय बना हुआ है कि बिल वापसी होंगे कि नहीं होंगे, यही है सभी के मन में, ये किसानों के मन में भी यही है, पक्ष और विपक्ष के मन में भी यही है, बिल वापसी होंगे या नहीं होंगे। ये कह रहे हैं संशोधन करने की, संशोधन किस लिए करने कह रहे हैं, उसमें खामी है भाई? संशोधन वो ही होता है जिसमें खामी हो। अगर ये पहले ये बता रहे थे कि इसमें कोई खामी नहीं है तो संशोधन क्यों, अगर संशोधन कर रहे हैं तो राजी है तो फिर इसको रद्द क्यों नहीं करते? आप लोग किस तरीके की समस्याएं फेस करते हैं MSP को लेकर? MSP का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जो हमारा ये टोकन काटा गया जो चने खरीद के लिए, तो 2 महीने पहले मेरा टोकन काट दिया गया और मेरे चने घर रखवा दे गए। जब मैं मंडी लेके गया तो आगे से ये बोला गया कि अब खरीदने की जो सीमा है वो पूरी हो गई, अब आपके चने आप घर ले जाओ। पहले भाव ज़्यादा थे, मैं 2 महीने वेट करके चने को बेचा तो मेरे को कम भाव मिले और ट्रैक्टर ट्रॉली का भाड़ा और दुकान का किराया वगैरह वगैरह जो भी लगा वो मेरे लगा 20,000 रुपये मेरे घाटा आया, और उसके बावजूद भी MSP में मैं नहीं ले पाया। कम से कम 100 में से 6 आदमियों को MSP मिल रही है और बाकी को कोई MSP नहीं मिल रही है। सर, यहाँ की सच्चाई रियलिटी है कि जब आप मिनिमम स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं कि यहाँ का जब पूरा का पूरा 70% आबादी है वो कृषि पे आधारित है, और जैसे यहाँ पे कमांड बोलते हैं, जैसे नहरी इलाका जो राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे सबसे संपन्न नहरी इलाका यही है, तो सर फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे 30% सिंचाई भूमि है, और हम बात करें किसान संपन्न नहीं है पूरी तरीके से। आज पंजाब के किसान, सरकार कह रही है बार बार पंजाब या हरियाणा किसान क्यों है, तो वो भी इसी तरीके, क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं जो वो ज़्यादा है हर स्टेट से भारत इंडिया के, तो मिनिमम सपोर्ट तो वही ले पाएगा जो संपन्न किसान है, जिसके पास में साधन है अपनी फसल को पहुँचाने के लिए मंडियों तक। अब ये से मान लो कि भारत का जो मंडी सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है, आज इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार कम करेंगे वो तो इस तरीके से बढ़ रहा है ना। मैं ये कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती की बात होती है ना, लेकिन आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की खेती तो यहाँ पे भी करते हैं, ग्वार और बाकी सारी चीज़ों की जो खेती होती है वो तो इसी तरीके की है, तो फिर आप लोगों का ऐतराज क्यों? हम जो खेती करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं है, और सरकार जो हमारे ऊपर थोप रही है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती इस तरह की है कि तीनों बिलों के अंदर मान लें बाकायदा लिखा हुआ है कि किसान से 5 साल के लिए ठेके के ऊपर लेंगे, पट्टे के ऊपर लेगी, और उसके ऊपर KCC का प्रावधान है जो कि किसान को नहीं मिल रहा उन कंपनियों को मिलेगा, इसलिए हम इनको मान लें ये कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करना चाहते, और हमारी जो फसल होगी उस फसल के ऊपर 3 बार तो क्या नाम है भाई ये आपकी चेकिंग भेजेंगे जो किसान के ऊपर पड़ेगा, और फिर क्वालिटी लगाएंगे। अगर ये बाईविध मौसम खराब हो जाता है या और विधि से हो जाता है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसान जिम्मेवार नहीं है, उसका जिम्मेवार सिर्फ कंपनी है। मेन बहस है जिंदगी बचाने की, जिंदगी की, ये जिंदगी जीने की ये लड़ाई चल रही है। जो आपने पूछा कि पेट्रोल डीजल का दाम, वो सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जो यहाँ का किसान है, बिजली का कनेक्शन है नहीं, अगर बिजली का कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो 1,00,000 रुपये लगेंगे 3 फेज के कनेक्शन के लिए, काफ़ी टाइम लगेगा 4-5 साल का, और यहाँ के जो कुएँ हैं बोरवेल बोलते हैं जो, वो पूरा ऊपर डीजल का पंप लगा हुआ है, तो सीधा सीधा असर सीधा होगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट इधर से इधर जो लेके जाते हैं अपना अनाज है जो भी आता है वो उसका किराया बढ़ेगा, तो इसलिए सीधा सीधा असर भारत के मजदूर गरीब किसानों पे सीधा सीधा असर पड़ेगा पूरा। डीजल का भाव जोड़े, यूरिया DAP का भाव जोड़े, बीज का भाव जोड़े, 300 रुपये किलो बीज मिलता है बाजरे का और 1200 रुपये क्विंटल बाजरा बिकता है, बोलिए 300 रुपये तो 1.5 किलो पड़ता है 1 बीघे में,
तो 500 रुपये का तो बीज गिर दिया। लारे इसको जुताई भी है, बुआई भी है, घाटा ही हुआ ना, घाटा ही है। और खेती में क्योंकि यदि भाव बढ़िया मिले ना किसान को, फिर आज तक आप सोचो वकील है, डॉक्टर है, सब अपने अपने बच्चों को अपने अपने फील्ड में बेचते हैं, किसान क्यों नहीं बेचता, क्यों नहीं बेचता? क्योंकि ये घाटे का घर है, इसलिए नहीं बेचता। और ये कमियां इस सरकार की नहीं है, मतलब किसानों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमने यहाँ पे लड़ाई लड़ी है फसल बीमा के लिए, और राजस्थान में चंद जिलों के अंदर मुआवजा मिलता है, लेकिन फसल बीमा हर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव से फसल बीमा करता है, लेकिन सबको मुआवजा नहीं मिलता है। राजस्थान में अगर बात करें मुआवजे की, बात करें सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इतने ही जिलों में मुआवजा आता है। एक तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं कि घोषणा पत्र पे वोट देते हैं, न कि हमारे हक पे वोट देते हैं। कोई भी आदमी है, लगभग भारत की 70% जनता घोषणाओं पे वोट देती है। मैं ये कर दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, हमारी तो हो गई दोगुनी। ये देख लो क्या हाल है आज 90 दिनों से किसानों का। इसने हमको ये पता नहीं था, मेरा भी दुर्भाग्य है कि मेरा वोट मोदी को गया। मैंने सोचा आय दुगुनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, लेकिन हाल तो उसने दुगुनी की बजाय ये करके छोड़ दिया। आज गर्मी में किसान मर रहा है, सर्दी में किसान मर रहा है, 90 दिन से धरना चल रहा है। मैं धरने के अंदर गया हुआ हूँ और बार बार जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अब मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अब बर्दाश्त अब हद हो गई है, अब आप हमें किसानों को जो हक है वो दे दो, अब और बर्दाश्त नहीं होगी। आज़ादी की लड़ाई भी बहुत लंबी चली थी, और कितनी लंबी, कितने बलिदान देने के बावजूद हमें आज़ादी मिली थी, यही वो है, ये आज़ादी की लड़ाई है। दूसरा, ये आज़ादी के बाद ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और इसमें अहिंसा के आधारित ये आंदोलन चल रहा है, और ये लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। ये तो मोदी तो कहा गया हम कांग्रेस गलत कर रही है, हम सही करेंगे। अरे अब वो ही उनकी लाइन पर चल रहा है, फिर तो गलत है। पहले रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेचा, अब किसाना नहीं बेचने लाग रहे। हम तो सबक दे, पहले सिलेंडर दिए थे उज्ज्वला योजना वाले महिलाओं को घर पर, अब बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? पहले तो बोला मोदी जी ने क्या फ्री मिले हैं, फिर हमारी कमर तोड़ दिए मोदी जी ने, क्या करें? बनाने के कोई काम नहीं, हमने छोड़ दिया वहाँ पर उसको अलग से। लकड़ियाँ ले आते हैं खेत से, उसमें जला कर रोटी बनाते हैं, खाना बनाते सब, यही हो रहा है। कंडीशन बहुत डाउन है, मोदी से आस लगाए बैठे 15 लाख आए, 15 करोड़ आएंगे, कुछ नहीं है। कितनी भी गर्मी है जेठ के महीने में, जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है, किसान खेत में हल से जुताई करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। किस आंदोलन में तो आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना ही लंबा खींच जाए आंदोलन, कानून वापसी नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। राज्यसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, कौन रोक सकता है? आप बताइए क्या कोई है चारा पास? किसी के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए ये लड़ना ही चारा है, आंदोलन ही चारा है लास्ट। मोदी जी से एक भाव मांग रहे हैं, MSP दे दे लिखे, वो दे दे, हमारे भी रोजी रोटी बन जाएगी। जाड़ी मजदूरी करते हैं हम, 100 रुपये मूल रहे हैं, कड़क 20 रुपये किलो ले रहे हैं गेहूँ, हमारे को 40 मिलेगी, 42 मिलेगी, क्या पता क्या भाव मिलेगी। कुछ सोचो मोदी साहब, आपको एक तरफा बनाए, बहुमत दिया है, आपकी सेवा के लिए बनाया था। मैं हमने तो सोचा था उस टाइम मोदी जी से, मोदी लाओ देश बचाओ, अब ये काम है मोदी भगाओ देश बचाओ, ये आ गया उल्टा, उल्टा हो गया, क्या करें यार। मैं तो एम्स बठिंडा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अभी चयनित हुआ हूँ और जॉब करूंगा। बात सुनो, आप ये कहो आप तो किसान नहीं हो, मेरा भाई पटवारी है, लेकिन मेरा बाप आज भी खेती करता है, तो हम किसान हुए या नहीं हुए आप बताइए? यदि वो तो हमारा ऑप्शन हम है, ठीक है, हम एक ऑफिसर हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो ना हो, लेकिन हमारा मेन प्रोफेशन है ना वो खेती है, खेती हमारा प्रोफेशन है, ये तो हमारे पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब हमारी खेती है, इसलिए लड़ रहे हैं। अब यही है ना, ये गोदी मीडिया, अब मैं कह दूंगा ये गोदी मीडिया ना ये दिखा देगा, आप दिखा दोगे कि ये तारा चंद है, ये तो बठिंडा में चयनित हुआ है, ये तो किसान नहीं है, तो क्या आप मेरे को किसान नहीं मानोगे?